हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। जल्दी से फटाफट से सभी लोग कमेंट करेंगे कि आवाज़ वगैरह सब कुछ क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। जल्दी से फटाफट से क्लियर करेंगे। सभी लोग जल्दी से फटाफट से बताइए सब कुछ क्लियर है। कमेंट करेंगे सभी लोग जल्दी। शाबाश। चलिए, सभी लोग जुड़ चुके हैं। सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, शाबाश। अंजना जी, कमल नारायण जी, हुमा, राम जगत, विराट, असित, राजकुमार, सभी लोग आ चुके हैं एंड सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। चलिए, शाबाश। सभी लोग बिल्कुल टाइम से आ जाया करें, ठीक है? सभी को पता है ना टाइमिंग, शाम को 7 बजे, ठीक है? डेली आपकी शाम को 7 बजे क्लास होती है और दूसरी क्लास आपकी रात में 9 बजे होती है, तो आपको दोनों क्लासों में जुड़ना है, ठीक है? ये जो आपके मॉडल पेपर होते थे रात में 9 बजे होते थे, जो रिकॉर्डेड फॉर्म में होते थे, लेकिन आज हमने क्या किया है, 7 बजे आपका लाइव मॉडल पेपर चलवा दिया है, ठीक है? और जो 7 बजे क्लास होती थी उसको हमने 9 बजे कर दिया है, ठीक है? तो रात में 9 बजे जो क्लास होनी है उसको जरूर देखना है सभी लोगों को, और सभी तक शेयर भी कर दिया करिए। चलिए, शाबाश। हाँ, चलिए, वेरी गुड। सुनील जी भी आ गए हैं, आर्टिस्ट भी आ चुके हैं, प्रियंका जी, सभी लोगों को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी लोग रेडी है ना? रेडी है धुआंधार क्लास के लिए? बिल्कुल से आपकी भूकंप वाली क्लास है आज। चलिए, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। सभी लोग आ चुके हैं, हाँ, रेडी हैं, रेडी है, रेडी है, गुड। चलिए, अब क्लास स्टार्ट करते हैं और सभी को क्वेश्चंस करते जाना है, अपना आकलन साथ में करते जाइएगा, ठीक है? शाबाश। अंजू जी भी आ गए हैं, दिलीप जी, हरिश्चंद जी, आर्टिस्ट जी, शाबाश, रेडी हैं, वेरी गुड, शाबाश शेर, रेडी है, वेरी गुड। चेष्टा जी, चलिए, अब सभी लोगों को गुड इवनिंग, राधे राधे। चलिए, क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सभी को अब कल से बिल्कुल 7 बजे उपस्थित हो जाना है, ठीक है? कल के लिए एक चीज बतानी है आपको, कल शाम को 7 बजे, कल केवल एक क्लास चलेगी, शाम को 7 बजे बिल्कुल धुआंधार क्लास होगी और कल डिस्कशन वाली क्लास होगी। हम आपसे वही क्वेश्चन पूछेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है? स्क्रीन पर केवल एक क्वेश्चन आता है वैसे अगर क्लास की जाए, लेकिन अगर हम डिस्कशन क्लास रखेंगे तो 1 मिनट में हो सकता है ज्यादा क्वेश्चन हो जाए, ठीक है? हाँ, शाबाश। चलिए, सभी लोग आ गए हैं, शाबाश। श्रुति, शिखा, गूगल, रीता, वेरी गुड, सभी लोगों को गुड इवनिंग। चलिए, क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अपना मॉडल स्टार्ट करते हैं, अपनी भूकंप वाली क्लास को। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। चलिए, जैसे आप लोग मटक मटक के आते हैं वैसे ही पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है आपसे, पूछा क्या जा रहा है आपसे, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी? जॉन काकबर्न ने, आर्चिबाल्ड कार्लाइल ने, जेम्स फर्ग्यूसन ने, सी डब्ल्यू एंडरसन ने। शाबाश, वेरी गुड, शाबाश शेरो, बिल्कुल सही आंसर दिया है, पहले ही बार में आउट कर दिया, वेरी गुड। आंसर आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, कार्लाइल, ठीक है? शाबाश। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको भी आउट करो जल्दी से, फटाफट से। पूछा जा रहा है, कलाकार निहाल चंद का संबंध कौन सी शैली से है? जैन, अपभ्रंश, आधुनिक, राजस्थानी। पूछा जा रहा है आपसे, निहाल चंद का संबंध, अरे भाई, किससे है? शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल सही दिया है, ऑप्शन बी आपके राजस्थान से, वेरी गुड। आगे आगे बढ़ते हैं, पूछा जा रहा है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाले कौन थे? पर्सी ब्राउन, स्टेला क्रैमरिस, रॉबर्ट क्लाइव, जेम्स फर्ग्यूसन। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, इसका भी बिल्कुल सही दिया है, बिल्कुल सही दिया है, ऑप्शन बी स्टेला क्रैमरिस, वेरी गुड, शाबाश।
आगे पूछा जा रहा है, गांधार शैली के समकालीन कौन सी शैली थी? मथुरा, नागर, पाल, दमन। बताइए जल्दी से, फटाफट से। हाँ लक्ष्मी जी, गुड इवनिंग। चलिए जल्दी से आइए, फटाफट से आंसर करिए सभी लोग। बिल्कुल सही दिया है, ऑप्शन ए आपकी मथुरा शैली। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राम किंकर बैच का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा है? राजस्थानी परिवार, न्यूड, संथाल परिवार, पहाड़ी परिवार। छापेंगे सभी लोग फटाफट से और टाइम तय करें। लास्ट में सभी को अपने आंसर भी बताने हैं कि हमने कितने सही किए हैं। हाँ शाबाश, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन सी, संथाल परिवार। वेरी गुड, शाबाश। आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है, हरिपुरा कांग्रेस में बनाए गए चित्रों का माध्यम क्या था? बताइए, टेम्परा, वॉश, जल रंग, गुआश। छापेंगे सभी लोग फटाफट से। वेरी गुड, बिल्कुल रटे बैठे हैं। ऑप्शन ए टेम्परा। हमें तो लगता है गलत ही नहीं होगा किसी का, सभी ले जाएंगे चॉकलेट। आगे बढ़ते हैं। भारतीय षडंग के सूत्रधार कौन है? यशोधर पंडित, बाण भट्ट, भास, शुक्राचार्य। बताइए जल्दी से फटाफट से, सेवेंथ का क्या होगा? शाबाश, सब भूकंप ला रहे हैं, हिल जाएगी धरती आज तो। बिल्कुल सही है ऑप्शन ए आपका, यशोधर पंडित। वेरी गुड, आगे आगे पूछा जा रहा है, रंगों को अधिक मिलाने से क्या खत्म हो जाता है? विस्कोसिटी, तान, मान, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे सभी लोग फटाफट से क्या होगा। शाबाश, शाबाश, अच्छा चलिए। हाँ बिल्कुल सही दिया है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी ये है मान। ठीक है, ज्यादा मान सम्मान दे दो तो खत्म हो जाता है। आगे पूछा जा रहा है, बिंदुवादी पद्धति आरंभ करने वाले कलाकार का नाम क्या है? देगा, वॉन गॉग, सिउरा, कॉन्डेंसकी। भूकंप ना लाओ, आंधी चल रही है। हाँ आने वाली है आंधी, और बढ़िया भूकंप भी आने वाला है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ऑप्शन सी सिवरा। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है, एम्फोरा पॉटरी कहाँ की है? बताइए, मेसोपोटामिया, चीन, अर्जेंटीना, ग्रीस। छापेंगे सभी लोग फटाफट से। चलिए, एम्फोरा पॉटरी कहाँ की है? शाबाश, आ गया भाई भूकंप आ गया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दिया है आपने ऑप्शन डी, ग्रीस। शाबाश, रटे बैठे हैं। आगे पूछा क्या है, इनमें से एनएस बेंद्रे का शिष्य कौन सा नहीं था? के एस कुलकर्णी, शांति दवे, जी आर संतोष, गुलाम शेख। छापेंगे सब जल्दी से सभी लोग। वेरी गुड, गड़बड़ा रहे हैं बेटा, गड़बड़ा रहे हैं। ऑप्शन ए के एस कुलकर्णी। हाँ चलो, जितने नंबर लाओगे ना उतने की ही चॉकलेट मिलेगी। बताओ, 8 की खानी है कि 100 रुपए वाली? बताइए, कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक की चर्चा कौन से यात्री ने की है? हेनरी मूर, वाल्टर स्कॉट, ओ हेनरी मूर क्राफ्ट। छापेंगे सभी लोग फटाफट से। शाबाश, ये बहुत सही, बहुत सही, वेरी गुड। आंसर तो आज बिल्कुल धमाकेदार आ रहे हैं, बिल्कुल से करंट मार के आए हैं। ऑप्शन डी मूर, बिल्कुल सही दिया है। वेरी गुड, शाबाश। आगे बताइए, मुगल काल में स्याह कलम का विकास कौन से शहंशाह के समय में हुआ था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। शाबाश, शाबाश, बिल्कुल सही, एक भी बच्चे का गलत नहीं जा रहा है, रटे बैठे हैं। ऑप्शन सी शाहजहां। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। आगे है, रामचंद्र शुक्ल की कला पर कौन सी शैली का प्रभाव देखने को मिलता है? बंगाल, काशी, पटना, राजस्थान। अच्छा, काजल लगा के आए हैं इसलिए आंसर सही हो रहा है, इतनी दम है काजल में। शाबाश, चलिए ऑप्शन बी ये है काशी शैली। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। एग्जाम में ना काजल में डूब के जाना। ठीक है चलो, आगे पूछा जा रहा है, आधुनिक लेड पेंसिल के आविष्कारक कौन थे? एच एल फेबर, विंसर एंड न्यूटन, फिर न्यूटन, एनजे कॉन्टे। बताइए कौन थे ये भाई साहब। शाबाश, लगे रहो मुन्ना भाई, बिल्कुल सही है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए वालों बिल्कुल सही है, फेबर। शाबाश,
बिल्कुल, और आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है लिथोग्राफी के लिए उपयुक्त पत्थर कहाँ पाया जाता है? इटली की क्वेरी, बवेरिया की क्वेरी, म्यूनिख, ज्यूरिख। ला दो भूकंप जल्दी से। अच्छा, आए हाय, कितना गौर करते हैं ना सभी लोग। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दिया है, बिल्कुल सही दिया है। ऑप्शन बी ये है, बवेरियों की क्वेरिया। वेरी गुड, शाबाश। आगे आगे पूछा जा रहा है, निम्न में से तंत्र कलाकार कौन है? मुकुल डे, प्रभाकर बर्वे, तैयब मेहता, जहांगीर, सबावाला। फूंक दो जल्दी से मंत्र। चलिए, हाँ शाबाश, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दिया है आपके भाई साहब, जहांगीर। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा जा रहा है, राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं काहे के लिए? काहे के लिए, एक सेकेंड, कौन सा बता दिया हमने ये? हाँ सही तो बताया है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं काहे के लिए? पौराणिक चित्रों के लिए, पशु पक्षी का अंकन। ये तो भैया रट चुका है सभी को, शाबाश। पौराणिक लिख के भी आ गया, वेरी गुड, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं, पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में ब्लैक पॉटरी कहाँ पर फेमस है? छापेंगे सभी लोग फटाफट से, लाइए भूकंप जल्दी जल्दी से भूकंप लाएंगे। ज्वालामुखी भी फटना चाहिए, इस तरह का भूकंप आना चाहिए। शाबाश, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आ गया आ गया आ गया, धरती कांपने लगी। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी आपका, निजामाबाद। वेरी गुड, शाबाश। आगे आगे पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्र बताइए कहां पर है? सभी लोग करेंगे फटाफट से कमेंट, कहां पर है? रुक क्यों गए भाई, फास्ट चलो। शाबाश, सभी की एक सी रिप्लाई, वेरी गुड, सभी की बढ़िया तैयारी। ऑप्शन डी आपका, मिर्जापुर। हाँ ऐसी की तैसी कर देना है पेपर की। आगे आगे है, किस विख्यात कला समीक्षक ने बंगाल शैली के चित्रों का प्रचार प्रसार किया था? बताइए, डॉक्टर आनंद कैंटस कुमार स्वामी, मुल्कराज आनंद, केशव मलिक, गीता कपूर। अच्छा चलो, आजमगढ़ वालों चलो स्वागत है, बताइए आंसर क्या होगा इसका फटाफट से। शाबाश, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ए के स्वामी। कहाँ जा रहे हैं आप लोग, आगे बढ़ते हैं। रंग क्या होता है? पोत का गुण, प्रकाश का गुण, रेखा का गुण, प्रभाविता का गुण। बताइए किसका गुण होता है? आ गया कमेंट, आ गया भूकंप, अब तो आ गया भाई, ऑप्शन बी प्रकाश का गुण। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही दे रहे हैं, रट्टू तोता। आगे, प्राचीन भारतीय चित्रकला के षडंग में अनुपात के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? भाव, प्रमाण, वर्णिका भंग, लावण्य योजना। शाबाश, लगे रहो लगे रहो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, कितनी जल्दी रिप्लाई आ रही है, मजा आ रहा है। ऑप्शन बी ये है, प्रमाण। वेरी गुड, आगे आगे आ गया, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में प्रयुक्त भारतीय केसरिया रंग काहे का प्रतीक है? बताओ, जिसके आप लोग प्रतीक है ना, उसी का प्रतीक ये केसरिया रंग भी है। बताइए अब जल्दी से। बताइए जल्दी से, काहे के? शाबाश, जैसे आप लोग है ना साहसी और बलिदान के प्रतीक है ना, शाबाश। आगे आगे बोल रहा है, भारत में पहली बार राजा रवि वर्मा ने किसकी स्थापना की थी? कला विद्यालय, प्रिंटिंग प्रेस, कला वीथिका, आर्ट स्टूडियो। छापेंगे सभी लोग फटाफट से, 25। शाबाश, आ गया आ गया आ गया भूकंप भैया, अब तो डर लगने लगा आप लोगों से। ऑप्शन बी ये है, प्रिंटिंग प्रेस। वेरी गुड, आगे, एक इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? बता दो कितने रंग होते हैं। शाबाश, 1884, घाट के ऊपर। वेरी गुड, घाट के ऊपर। बताइए जल्दी से फटाफट से क्या है, 26। हाँ कितने हैं? सात रंग हैं। आगे आगे बोल रहा है, बंगाल चित्र शैली के प्रवर्तक चित्रकार कौन थे? बताइए। बच के रहो सब, बताइए इसका क्या होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस। आज तो बिल्कुल फॉर्म में है सभी लोग, शाबाश।
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। क्या होगा इसका, लगा दें शाबाश, ऑप्शन सी आपके अवनी बाबू है ना। आगे, उस्ताद डॉट द्वारा विकसित चित्र शैली राजस्थानी लघु चित्र शैली की बीकानेर उप शैली की प्रमाण छाप बन गई है, बताइए शाह मोहम्मद, हाशम, रुकनुद्दीन, हसन रजा। 28 शाबाश, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वाह कितनी अच्छी रिप्लाई देते हैं ना आप लोग। ऑप्शन सी रुकनुद्दीन, आंखें भर आती हैं। चलिए आगे, प्रसिद्ध राजस्थानी लघु चित्र राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा के चित्रकार का नाम बताना है, बताइए जल्दी से फटाफट से। उत्कल राम, साहेब राम, शिव राम, उत्कल सिंह, बताइए। 29 शाबाश, इसमें गड़बड़ा रहे हैं कभी है ना, कंफ्यूज हो रहे हैं। ऑप्शन ए उत्कल राम जी है, ठीक है। आगे आगे है, समकालीन या आधुनिक भारतीय छापा कलाकार अनुपम सूद द्वारा बनाए गए छापा चित्र का शीर्षक क्या है, आदम और हवा, दीवारों से सरोकार, पुरुष और प्रकृति, एक गुलाब का जन्म, बताएंगे सभी लोग 30 का। शाबाश, हमारे बोलने से पहले ही आंसर आ जाता है, शाबाश, बड़ी एनर्जी आ गई है, भूकंप नाम सुनते ही आप में भी भूकंप आ गया है, बिल्कुल सही है ऑप्शन बी। आगे, प्रसिद्ध समकालीन भारतीय चित्र गपशप की रचना किसने की है, बताइए यामिनी राय, कमलेश दत्त पांडे, एन एस बेंद्रे, नंदलाल बोस। बताइए 31, ऑप्शन सी ये हैं आपके एन एस बेंद्रे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शाबाश, किसी ने टाइम भी बताया है शायद। चलिए आगे चलते हैं, अशोक स्तंभों के शीर्ष पर अधिकांशतः बाघ, हाथी और किसको दिखाया गया है अशोक में, बताइए। हाँ हाँ, वेरी गुड, शाबाश, बताइए इसका क्या होगा। बिल्कुल 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 सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, शाबाश, बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन सी वृषभ। आगे चलते हैं, आगे, गांधार क्षेत्र से प्राप्त कुषाणकालीन मूर्तियों पर किसका अधिक प्रभाव है, बताइए, मिस्र की कला, चार ऑप्शन है बता दीजिए क्या होगा। 33 शाबाश, ऑप्शन डी ये है यूनानी कला, ऐसे धीमे काय हो गए, तेज चलो भूकंप के तरीके, ऐसे स्लो स्लो चलते हैं बुड्ढों की तरीके। चलो क्या है, अजंता के किस गुफा मंदिर में प्रसिद्ध भित्ति चित्र बोधिसत्व पद्म पाणी है, ये तो गलत नहीं करेगा कोई, शाबाश, पहले ही आ गया आंसर, ला रहे हैं भूकंप, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, एक में। आगे अरे आगे आ गया, निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन के पंडाल को सजाया था, ये तो बाएं हाथ का खेल है, ये तो बता देंगे तुरंत है ना। हाँ, कल वाली क्लास में सभी को जुड़ना है, शाम को 7 बजे होगी, जिसमें हम आपके वो क्वेश्चंस करवाएंगे ओरली, मतलब मुंह से हम बोल बोल के करवाएंगे, आपसे पूछेंगे, ठीक है, तो कल जरूर जुड़ना है। हाँ शाबाश, आपके नंदू भाई साहब, ऑप्शन सी। आगे आगे है, निसारदीन कौन सी शैली से संबंधित है, बताइए जल्दी से फटाफट से, शाबाश, निसारदीन कहाँ चले गए, आंसर करो सभी लोग, ऐसे धीमे धीमे चलेंगे तब तो हो चुका काम। हाँ शाबाश, चलिए ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, कंपनी चित्रशैली का विकास काल क्या है, 17, 18, 19, 20, बताइए क्या होगा। फटाफट से करो, हमारे ही पास कमेंट देर से आ रहे हैं या फिर आप लोग कर ही रहे हैं धीमे धीमे, ऐसे टहल टहल के चल रहे हैं। हाँ बी वालों बिल्कुल सही है, 18वीं शताब्दी, ठीक है याद रखना है। आगे चलते हैं, पूछा जा रहा है, राज्यसभा में द्रौपदी नामक की चित्र है किस चित्रकार ने बनाए हैं, बताइए, जितने भी आपके चित्र हैं ना, कानों में आवाज नहीं आ रही, साफ करो भाई जल्दी से, मम्मी से तेल डलवाओ, नहीं तो आ जाओ हमारे पास, हम ही मिट्टी का तेल डाल के सीधे स्वाहा कर दें अच्छे से, बताइए 38 का क्या होगा। शाबाश, ऑप्शन सी ये है राजा रवि वर्मा, वेरी गुड। आगे लाओ भूकंप जल्दी से, धीमे धीमे चल रहे हैं, चित्रकार नैनसुक और मणिक किस परंपरागत चित्र शैली से संबंधित है, बताइए जल्दी से फटाफट से,
गुलेर, बसौली, चंबा, पहाड़ी, बताइए क्या होगा। शाबाश, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, शाबाश। ऑप्शन ए आपकी गुलेर शैली। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो सुल्तानगंज से प्राप्त गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा की भाव भंगिमा कैसी है? ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा, वितर्क मुद्रा, धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा। छापेंगे सभी लोग। मैम कम दिखाई दे रहा है, हमारी तरीके चश्मा लगवा लो, बढ़िया गड्ढो वाला दिखने लगेगा। बताइए जल्दी से, फटाफट से। शाबाश, बिल्कुल सही दिया है, ऑप्शन बी आपका अभय मुद्रा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वास्तुकला में सर्वप्रथम मेहराब युक्त प्रवेश द्वार कहाँ पाया गया है? भीमबेटका, लोमेश ऋषि की गुफा में, भाजा गुफा में, कार्ले गुफा में, बताइए। आप लोगों से कोई ना जीत पाएगा, सीधे तर्क वितर्क छोड़ के आप आंसर पर दीजिए फोकस, क्या होगा? शाबाश, ऑप्शन बी ये है लोमेश ऋषि की गुफा। बातचीत नहीं, नहीं तो यही गुफा में भेज देंगे। बताइए इसका क्या होगा। महेश मूर्ति नामक प्रतिमा निम्न में से किस छवि का प्रतिनिधित्व करती है? बताइए जल्दी से, फटाफट से। बहुत धीमा चलने लगे हैं, छड़ी उठानी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी ये है शिव। शाबाश, आगे आगे पूछा जा रहा है। कोणार्क मंदिर निम्न में से किस रूप में भी जाना जाता है? ब्लैक पैगोडा, व्हाइट पैगोडा, गर्भगृह, गोपुरम, बताइए। हाँ हाँ शाबाश, चलिए वेरी गुड, 43, शाबाश मेरे शेरो। ऑप्शन ए ब्लैक पैगोडा पकोड़ा। चलिए आगे, आगे क्या दे रहा है। पूछा जा रहा है पूर्णतया एकाश्म शैल उत्कीर्ण मंदिर का उदाहरण कौन सा है? चारों ऑप्शन है आपके सामने, फटाफट से। अच्छा मैम मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, क्या करूं, कुछ नहीं करो, बैठ के भजन करो। चलो बताओ क्या होगा। 44, शाबाश, बिल्कुल सही है आपका, ऑप्शन बी कैलाश मंदिर एलोरा का। आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है चौर पंचासी का कौन सी शैली का है? आरंभिक मेवाड़ शैली, परवर्ती, चलिए परवर्ती, मुगल शैली, पहाड़ी शैली, दक्कन शैली, बताइए सभी लोग फटाफट से क्या होगा आंसर। आय है आज तो सच में भूकंप ही आ रहा है, पूरा पहाड़ गिरने वाला है। ऑप्शन ए आरंभिक मेवाड़ शैली। आगे चलते हैं। सिंह शीर्ष स्तंभ कहाँ से लिया गया है? बताइए, मथुरा, सारनाथ, पटना, कलकत्ता, बताइए। पढ़ लो, पढ़ लो। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी ये आपके सारनाथ से है। आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है डायमंड प्रीट नीडल का प्रयोग होता है एक्वाटेंट में, वुड एनग्रेविंग में, ड्राई पॉइंट में, एचिंग में, बताइए। करो फटाफट से क्या होगा आंसर। हाँ शाबाश, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी ये आपका ड्राई पॉइंट में। आगे चलते हैं। छूट गया क्या कोई क्वेश्चन? छूट गया, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। वाकाटक राजा कौन है बताइए? हिंसक जनजातियां हैं, ब्राह्मण है, बौद्ध है, जैन है, बताइए। वाकाटक कौन से धर्म से संबंध, मतलब क्या है इनमें से, क्या है बताइए। हाँ ये ब्राह्मण है, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहां पर है? तंजावुर, गंगाईकोंडा चोलपुरम, कुंभकोणम, मदुरई, बताइए। मदुरई में एक मंदिर है बहुत अच्छा, कौन सा है बताइए, और ये किस नदी के किनारे है ये भी बता दीजिए जल्दी से फटाफट से। बताइए 49, ऑप्शन ए तंजावुर में, शाबाश। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, सो जाइए, जिसको जाना है जाइए फटाफट से। बताइए भारत की विशालतम भित्ति चित्रकला वीरभद्र कहाँ स्थित है? बाघ, लेपाक्षी, सित्तनवासल, अजंता, शाबाश। मीनाक्षी मंदिर है मदुरई में, वेरी गुड, तमिलनाडु। हाँ 50 का बताइए, 50-50 आ गया। हाँ ऑप्शन बी ये है आपका लेपाक्षी, वेरी गुड। सभी को अपना आंसर बताना है, ठीक है, सबको, सबको ही अपना आंसर बताएगा कि आपने कितने स्कोर किए, ठीक है। हाँ चलो बताओ, परशुरामेश्वर मंदिर कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम, बंगाल, बताइए। 51, शाबाश, ऑप्शन बी आपका उड़ीसा में।
तो परशुराम क्या हुए, उड़ गए। आगे कल्प सूत्र कौन से धर्म का धार्मिक पाठ है, जैन, हिंदू, पाल, बौद्ध, बताइए कल्प सूत्र। ऑप्शन ए जैन धर्म का है, काहे भूल जाते हैं। आगे निम्न में से किस लघु चित्र पर अजंता का प्रभाव है, जैन, राजस्थानी, पाल, मुगल, फटाफट से छापेंगे सभी लोग, भूकंप लाइए, ऐसे ना काम चलेगा, कैसे स्लो स्लो मोशन चल रहे हैं बुड्ढों की तरीके। हाँ 53 ऑप्शन, अरे ऑप्शन सी वालों, पाल लघु चित्र सही है। आगे नैनसुख किस राज दरबार का चित्रकार था, कांगड़ा, चंबा, मनकोट, गुलेर, छापी जल्दी से फटाफट से, 54 ऑप्शन डी गुलेर, ठीक है। चलिए राम राम, गुड इवनिंग, और क्या राधे राधे, ये तो खत्म हो ही नहीं सकता, लास्ट हो जाएगा तब भी यही चलता रहेगा जापमाला। बताइए इसका क्या होगा, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, बताइए कौन है भाई साहब जिसने करवाया था, सुपर फास्ट, हाँ बताइए जल्दी से फटाफट से। हाँ ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। आगे आगे दे रहा है शांति निकेतन में हिंदी भवन में भित्ति चित्र मध्ययुगीन संत को किसने चित्रित किया है, के हैबर, विनोद बिहारी मुखर्जी, क्लेमेंट बैपिस्टा, एन एस बेंद्रे, 56 शाबाश सर्वेश जी, सही से आंसर दें। हाँ चलिए ऑप्शन बी, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या आ रहा है भाई ये, अरे 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 धमाकेदार क्लास, ये कल का संडे का महाधमाका है ये, ठीक है। कल अपनी चलेगी डिस्कशन क्लास, ठीक है। हाँ चलिए क्या हुआ, गलत बता दिया है क्या पीछे हमने, ऑप्शन बी ही तो बताया है ना, चलिए आगे चलते हैं। तो क्या है ये कल की जो क्लास होनी है ना, अच्छा रुकिए बाद में देखते हैं, ठीक है कौन सा क्वेश्चन है। देखिए ये जो कल संडे है अपना, उसमें धमाका क्लास चलनी है, एक खत्म नहीं हुई है क्लास, खत्म नहीं हुई है, भागो नहीं, अभी अभी चलनी है, ठीक है। देखिए कल ये धमाका क्लास है संडे की, ठीक है। चलिए कल संडे की धमाका क्लास है जिसमें हम डिस्कशन क्लास करेंगे, इसलिए सभी को कल शाम को 7 बजे जुड़ना है, लाइव क्लास होगी, ठीक है। वो क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे में ज्यादा क्वेश्चन भी हो जाएंगे कम टाइम में, और ऐसे अगर स्क्रीन में पढ़ाएंगे तो ज्यादा चीजें नहीं हो पाती हैं, ठीक है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन मौखिक क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको ज्यादा चीजें याद हो जाएंगी और जल्दी जल्दी हो भी जाएगा, ठीक है। तो हम सोच रहे हैं हर संडे को इसको लागू करें, बिल्कुल धमाका वाली संडे क्लास, ठीक है, डिस्कशन क्लास होगी। इसमें वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे, जितने भी आपके चित्र हैं जिनमें कंफ्यूजन रहती है और किसके गुरु कौन है, बहुत कंफ्यूज रहते हैं आप लोग, इसको भी हम कल देख लेंगे। तो चलिए सभी लोग रेडी रहेंगे कल, बोलेंगे बिहारी तो ही। चलिए आगे चलते हैं, आप लोग पता नहीं कहाँ की क्या स्टार्ट कर देते हैं। चलिए भगने लगे थे, कह रहे थे मैम गुड नाइट, बड़े कलाकार बच्चे हैं। बताइए इसका क्या होगा, अनुपम सूत का कार्य दीवारों की, ऑफ द वॉल्स क्या है, बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से फटाफट से क्या होगा। आधे तो भाग भी लिए, शाबाश। ऑप्शन ए ये है शिला मुद्रण लिथोग्राफ। चलिए आधे तो निकल लिए, चलिए आगे चलते हैं, जो निकल लिए तो निकल लिए। इसको बताइए जमीन को किसने बनाया है, एस एच रजा, एच ए गोंडे, एम एफ हुसैन, के एच आरा, बताइए जल्दी से फटाफट से। हाँ ऑप्शन सी ये है एम एफ हुसैन, शाबाश। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन घाव मतलब वुंड्स में श्रृंखला है इसको, बताइए इसका संबंध किससे है, 59 शाबाश। ऑप्शन ए सोमनाथ होर, वेरी गुड शाबाश। आगे आगे क्या दे रहा है, हाँ अजंता के भित्ति चित्रों में निम्नलिखित में से किस गुण की कमी पाई जाती है, रेखीय परिदृश्य की, परिप्रेक्ष्य के बहुतायत की, गतिशीलता की, सम्मुख नियम, लॉ ऑफ फ्रंटलिटी, बताइए 60 का क्या करेंगे।
शाबाश, 60 60 60 शाबाश। ऑप्शन, अरे भाई ऑप्शन ए रेखीय परिप्रक्षिकी। ठीक है आगे चलते हैं। नेक्स्ट पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन मुगल राज दरबार की महिला चित्रकार थी, रजिया बेगम, नूरजहां, साइफा बानू, तलक। जल्दी जल्दी से चलो, जितने भाग गए ना उनको भी पता चलना चाहिए कि उन्होंने क्या खोया है। हम आज पूरे 125 ही करा के जाएंगे। अब करो जल्दी से फटाफट से, क्या होगा? 61 शाबाश। ऑप्शन सी ये है साइफा बानो। वेरी गुड, आगे दौड़ो, ऐसे ही छुआ छुआल खेलो जल्दी से, हमें छुओ सब लोग। उस भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने बसोहली, अजंता और पाल गोगिन से प्रेरणा प्राप्त की। बताइए जल्दी से, फटाफट से क्या करेंगे? 62 शाबाश, वेरी गुड मेरे शेरों शेरनियों, अमृता शेरगिल। आगे हुमायूं द्वारा निम्नलिखित चित्रकारों में से किसको शीरी कलम के रूप में सम्मानित किया गया था? छापी जल्दी से। हाँ 63, ऐसे धीमे धीमे ठुमक ठुमक के चलते हैं ना कि गुस्सा आती है आपके ऊपर। ऑप्शन डी ख्वाजा अब्दुस्समद। शाबाश, अब आए हैं आंसर सभी के। उस चित्रकार का नाम बताएं जिसने काली श्रृंखला चित्रित की, सुनील दास, के लक्ष्मा गौड़, तैयब मेहता, ए रामचंद्रन। छापेंगे सभी लोग फटाफट से। 64 हाँ, ऑप्शन सी ये है आपके तैयब मेहता। आगे बढ़ते हैं, शाबाश, ऐसे ही चलो दौड़ लगा के। लघु चित्रकला की कांगड़ा शैली का संरक्षक कौन था? राजा सावंत सिंह, संसार चंद, अनिरुद्ध चंद, कृपाल पाल। बताइए जल्दी से फटाफट से, सब निकल लिए, पागल है बिल्कुल से। अरे भाई हाँ, क्या है? 65 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी आपके संसार भाई साहब। आगे आगे दे रहा है स्मृति और संगीत के बीच, मतलब बिटवीन मेमोरी एंड म्यूजिक शीर्षक वाली चित्रकला किसके किसने निर्मित की थी? बताइए जल्दी से फटाफट से। 66 कम टाइम में ज्यादा चीजें, वैष्णवी प्री एजुकेशन क्लास में। चलिए आगे, चित्रकार देवीदास किस शैली से संबंधित था? कांगड़ा, गुलेर, चंबा, बसोहली। बताइए 67 हाँ, इनकी अभी गुड मॉर्निंग हुई है। चलिए आंसर करिए 67 शाबाश। ऑप्शन डी वालों बिल्कुल करेक्ट हो, बसोहली। चलो आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है द लिटिल गर्ल इन ब्लू चित्र का चित्रकार कौन है? अमृता शेरगिल, चित्रा तिरुनल, पंडित शिव, राजा रवि वर्मा। छापेंगे सभी लोग फटाफट से। 68 वेरी गुड, वेरी गुड मेरे शेरो, बिल्कुल सही है ऑप्शन ए अमृता शेरगिल। वेरी गुड, आय हाय आ गया भूकंप, बच के रहना। दुर्गा मंदिर में स्थित प्रसिद्ध मूर्ति कला महिषासुर मर्दिनी ये कहाँ स्थित है? हम्पी, एहोल, पद्दतकल, बादाम। बताइए जल्दी से क्या होगा। हाँ शाबाश, ऑप्शन बी वालों बिल्कुल सही है, ए होल। आगे आगे है, पत्थरों को काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर पत्थरों को काटकर बनाया गया कैलाश मंदिर में किसका योगदान था? शेरनियों तुम आगे बढ़ो, शेरों को पीछे करो, बताओ जल्दी से। 70 हाँ शाबाश, शेरनियां बढ़ गई आगे। ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। आगे आगे है, विमल शाही मंदिर कहाँ स्थित है? चित्तौड़ में, माउंट आबू में, महाकोटेश्वर में, मोढ़ेरा में। शाबाश हाँ, करेंगे सभी लोग 71। शेर सच में पीछे ही हो गए। ऑप्शन बी ये है माउंट आबू में। वेरी गुड, आगे देखो लड़कियों की कितनी खुशी फूट रही है। बताइए गुप्त काल की शोभायमान मूर्ति कला महावराह इनमें से किस स्थान पर स्थित है? बताइए जल्दी से। उदयगिरी, उज्जैन, देवगढ़, नचना, कुठार। 72 छापे जल्दी से। करेंगे सभी लोग, क्या होगा आंसर? चलिए 72 शब हाँ, ऑप्शन ए उदयगिरी। आगे आगे पूछा जा रहा है, कल्याण मंडप के संयोजन में किसका योगदान था? विजयनगर का, चोल का, पल्लव का,
फैसल का क्या होगा, फटाफट से करेंगे, जल्दी दौड़ लगा के 73। हम अगर कुछ दिन नहीं आए ना तो ऐसा तांडव मचाते हैं आप लोग कि बिल्कुल से गायब ही हो जाते हैं। हाँ आगे आंसर ऑप्शन ए, ये है विजयनगर का। शाबाश, आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है पदमपाड़ी चित्र नाम पदमपाड़ी है क्यों, बताइए। बंदर, पक्षियां और किन्नर, हाथ में कमल, रंग और संरचना सुशोभित ताज, बताइए। 74 आए हैं, बहुत जल्दी पकड़े हैं आंसर। चलिए बिल्कुल सही है, हाथ में कमल, जैसे आप लोग ली रहते हैं ना मोबाइल, वैसे ही उनका कमल। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाएं हीनयान दृष्टिकोण को दर्शाती हैं, बताइए। 75 क्या होगा, शाबाश, 75 पे आएंगे जल्दी से दौड़ लगा के। हाँ 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 बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, शाबाश, बिल्कुल सही सही। क्या होगा हीनयान दृष्टिकोण, इसका आंसर आप लोग नीचे देंगे कमेंट बॉक्स में। चलो इसका आंसर नीचे देंगे कमेंट बॉक्स में, इसके बारे में जो जो पता है ना आपको, ठीक है। हाँ चलिए आगे आगे चलते हैं। पूछा जा रहा है कौन से स्कूली कलाकार बौद्ध विषयों पर केंद्रित थे, बताइए क्या होगा। हाँ कंफ्यूजन है उसमें, तभी हमने कहा है कि इसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स पे देंगे, ठीक है। हाँ बताइए इसका क्या होगा, 76 बताइए, 76 शाबाश, ऑप्शन बी ये है गांधार। आगे चलते हैं। इंडो सरसेनिक वास्तुकला के रूप में कौन सी शैलियों को जाना जाता है, इंडो इस्लामिक, इंडो पश्चिमी, इंडो इंडो ग्रीक, बताइए जल्दी से। 77 दौड़ लगाइए। ऑप्शन ए इंडो इस्लामिक, वेरी गुड, स्पीड बढ़ाओ अपनी, ऐसे धीमे धीमे काम नहीं चलेगा। महाबलीपुरम में पूर्व और पश्चिम में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थित है, शिव, नंदी, पार्वती, हार गए, चलिए विष्णु, बताइए क्या होगा। 78 शेरनिया जीत रही हैं, शेरो क्या कर रहे हो भाई, चलिए 78 बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए शिव। आगे अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है, हाँ वेरी गुड भाग्यश्री, बिल्कुल सही बताए हैं, चलिए इसका बताइए 79 क्या होगा। ऑप्शन सी ये है रिचर्ड बोर्थोलोमियो, वेरी गुड। आगे आगे है राजा विद्याधर से कौन सा मंदिर संबंधित है, जगन्नाथ, कंदरिया, सूर्य मंदिर, गुजरात, कोणार्क मंदिर, बताइए। शाबाश, हाँ सभी को पता है, कमेंट में भी छाप देना, ठीक है। चलिए 80 हाँ बिल्कुल है, ऑप्शन बी ये है कंदरिया महादेव का मंदिर, ठीक है। आगे गर्भगृह का मतलब क्या होता है, मंडप, शिखर, गर्भगृह, अमाल का, क्या होगा। 81 आर्ष 13 हीनयान, हाँ सही बता रहे हैं सभी लोग, चलिए इसका बताइए क्या होगा। 81 ऑप्शन सी ये है आपका गर्भ ग्रह, ठीक है वो लिखा ही है सामने। पूछा जा रहा है नुजूम अल उलूम किस संग्रहालय में सुरक्षित है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, NGMA नई दिल्ली, चेस्टर बेट्टी लाइब्रेरी डबलिन, पटना पुस्तकालय पटना, बताइए क्या होगा आंसर। और सभी को रात में 9 बजे जुड़ना है, ठीक है, जो नहीं जुड़ा ना छड़ी पड़ने वाली है सभी की, ठीक है सभी को जुड़ना है। 82 शाबाश, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, कितने अच्छे से रिप्लाई देते हैं। ऑप्शन सी चेस्टर बेट्टी लाइब्रेरी डबलिन में। इसमें इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट किसने बनाया है, बताइए, चारों ऑप्शन है आपके सामने। 83 धीमे क्यों हो गए, हाँ चलिए बिल्कुल सही दे रहे हैं, ऑप्शन बी ये है आपके भाई साहब गगनेंद्रनाथ टैगोर। आगे निम्नलिखित में से कौन सा स्कूल विशुद्ध भारतीय शैली कहलाता है, राजस्थानी, मुगल, मेवाड़, बूंदी, बताइए। थक गए, थकना नहीं है, भूकंप लाना है, अभी तो भूकंप भी नहीं आया, ज्वालामुखी कैसे फटेगा भाई, भूकंप लाइए जल्दी से और इतना जोर का लाइए कि ज्वालामुखी फट जाए। शाबाश,
ऑप्शन सी वालों बिल्कुल सही है, मेवाड़ बिल्कुल शाबाश। आगे, जोगीमारा गुफा की ऊंचाई कितनी है? 4, 6, 8, 12, क्या हो जाएगा आंसर? 85। हाँ, कितने अच्छे से रिप्लाई आ रहा है, ऑप्शन बी ये है 6। धीमे धीमे काहे चलते हो भाई। आगे आगे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसने अपने चित्रों में मोम और ऑयल रंग वाले मिश्रण टेक्निक का उपयोग किया? जी आर संतोष, एम एफ हुसैन, एस एच रजा, ज्योति भट्ट। 10, 6, 6, वेरी गुड, शाबाश सर्वेश जी, बहुत सही बताए हैं। बताइए आगे जल्दी से, दौड़ लगाओ। 86। हाँ, ऑप्शन ए आपके संतोष जी, तांत्रिक। आगे, नटराज के बाएं हाथ में भुजंगसिता उनके भाव मुद्रा का प्रतिनिधित्व करती है, इसका मतलब क्या है? हमें लगता है ये वाला सेट हमने शायद पहले करवा दिया है, करवा दिया है क्या? तभी आप लोग बड़े आराम से आंसर दे रहे हैं। बताइए करवा चुके हैं क्या? हाँ, शाबाश। ऑप्शन सी, माया या भ्रम के पर्दे को दूर करना, बिल्कुल सही है ऑप्शन सी। आगे, भारत माता और संध्या दीप किसने चित्रित किया है? राजा रवि वर्मा। अच्छा, करवाया है ये हमने। 88 का क्या होगा? ये जितने भी सेट है ना, ये 2023 के लिए ही बनाए गए हैं एग्जाम के लिए, ठीक है, हो सकता है करवा दिया हो। चलिए ऑप्शन डी ये हो जाएगा आपका, अवनींद्रनाथ टैगोर। आगे आगे पूछा जा रहा है, शैलेंद्र नाथ, असित कुमार हल्दार, डीपी राय चौधरी इत्यादि के मास्टर कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्र नाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस। छापेंगे सभी लोग 89, दौड़ लगा के चलेंगे, शाबाश, वेरी गुड। सभी के आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं, ए ए ए ए। सभी लोग जुड़ चुके हैं क्लास में। भाग्यश्री, अजय, अंजना, कितनी जल्दी जल्दी ऊपर जा रहे हैं कि पता ही नहीं चल रहा। मनोज जी, चेष्टा जी, ममता जी, शाबाश। 89 क्या है आपका? ऑप्शन ए, अवनींद्रनाथ टैगोर। आगे आगे है, कंपनी शैली के चित्रों में किस प्रकार का धरातल इस्तेमाल किया जाता है? कागज और हाथी दांत, कागज और धातु, कागज और कपड़े, कागज और लकड़ी। 90 का बताइए। हाँ, शाबाश। हाँ, ऐसे आ जाएं तो 10 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे, भाई साहब जी कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए, कागज और हाथी दांत। बादामी गुफाओं के चित्रों को किसने बनवाया? पुलकेशिन, मंगलेश, कीर्ति वर्मन, नरसिंह वर्मन। ये जितने भी सेट चल रहे हैं ना आपके, ये सब 2023 के लिए ही बनाए गए हैं, ठीक है। अब समझ लीजिए, ज्यादा लेवल का नहीं आता है, सब लोग ढंगो बनाए रहते हैं, आता यही से है क्वेश्चन। बताइए 91। हाँ, ऑप्शन बी आपके मंगल भाई साहब। आगे चलते हैं, थानका नामी झंडो इसके चित्रकार कौन है? चित्र कहाँ बनाए गए हैं? अच्छा, ये पूछा है, ये चित्र जो है कहाँ बनाए गए हैं? भारत, चीन, नेपाल, तिब्बत। हाँ, करेंगे सभी लोग 92, शाबाश, आपके तिब्बत में है ना, तिब्बत में। आगे, मामल्लपुरम और पन्ना मलाई के भित्ति चित्र किस राजवंश के अंतर्गत बने? मौर्य, गुप्त, चालुक्य, पल्लव। क्या होगा आंसर? 93, शाबाश, बिल्कुल सही ऑप्शन डी आपके पल्लव भाई साहब। आगे, पल्लव वंश है भाई साहब। आगे, बाघ के चित्रों में कौन सा दृश्य बहुत संगीतमय तथा रोचक है? शोकाकुल स्त्री, स्त्री गायिकाओं का दल, बादलों में आकृतियां, हाथियों का जुलूस। 94, आज पूरे 125 क्वेश्चन करा के ही जाएंगे, चाहे एक घंटे की क्लास हो जाए। 94। हाँ, बिल्कुल सही है मैम, फास्ट कराओ। अच्छा, इससे भी फास्ट, बड़ी स्पीड आ गई। ऑप्शन बी ये है, स्त्री गायिकाओं का दल, शाबाश। आगे आगे पूछा जा रहा है, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने 1924 ईस्वी में कल्पसूत्र की एक प्रति कहां से प्राप्त की? लाहौर संग्रहालय, कलकत्ता संग्रहालय, बर्लिन संग्रहालय, इनमें से कोई नहीं, बताइए जल्दी से, फटाफट से। 95 क्या होगा? शाबाश, ऑप्शन सी आपके बर्लिन संग्रहालय में। आगे बढ़ते हैं, पूछा जा रहा है, अपभ्रंश या फिर जैन शैली का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा माना जाता है? कथा सरित सागर, निशीथ चूर्णी, अंग सूत्र, इनमें से कोई नहीं, करेंगे जल्दी से फटाफट से। 96, ऑप्शन बी निशीथ चूर्णी।
वेरी गुड, आगे चलते हैं। त्रिपिटक सबसे पहले किस पर लिखे गए? ताड़पत्र, कागज, दीवार, पट्ट पर, बताइए। 97 पे आएंगे सभी लोग, शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। ऑप्शन ए आपके ताड़ पत्र पर। आगे पाल पोथियां किस पर लिखी गई हैं? काष्ठ फलक, पट, ताड़ पत्र, चर्म।